और बात बड़वा की करेंगे, जहां महाराष्ट्रीयन परिवारों में गणेश उत्सव के साथ साथ महालक्ष्मी उत्सव भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणेश स्थापना के चौथे दिन गुरुवार को महालक्ष्मी जी की स्थापना के साथ ही इस 3 दिवसीय उत्सव की शुरुआत हो गई है। माता लक्ष्मी के आगमन से घरों में सुख संपन्नता और सदैव लक्ष्मी का वास हो, कुछ ऐसी ही मनोकामना के साथ मराठी भाषी 3 दिवसीय महालक्ष्मी उत्सव का आयोजन करते हैं। महालक्ष्मी व्रत में घर को आकर्षक ढंग से सजाया जाता है और 3 दिनों तक विविध आयोजन किए जाते हैं। सामाजिक महिलाओं ने बताया कि पहले दिन माताजी ज्येष्ठा और कनिष्ठा की स्थापना कर आरती की गई। स्थापना वाला घर मायका कहलाता है, यही कारण है कि उनके आगमन पर विभिन्न तरह के व्यंजन बनाकर खूब खातिरदारी की गई। दूसरे दिन शुक्रवार को माताजी को 16 विशेष पकवानों का भोग लगाया गया, साथ ही उन्हें महाराष्ट्रीयन साड़ी पहनाकर विशेष श्रृंगार कर सुहाग की वस्तुएं भी अर्पित की गई। महालक्ष्मी पर्व हमारे महाराष्ट्रीयन परिवारों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पहले गणपति जी आते हैं हमारे यहाँ, फिर महालक्ष्मी जी को उनकी बहनें कहा जाता है, वो अपनी बहनों को लेकर घर में आते हैं। सप्तमी को उन्हें हमारे घर लाया जाता है, अष्टमी को 56 भोग लगाया जाता है जैसा कि आप लोग देख पाएंगे, और फिर नवमी पे उनको विदाई दी जाती है। ये उपवास मेनली महाराष्ट्रीयन परिवारों में ही होता है ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि धन धान्य इन लक्ष्मी पुत्र जो भी है किसी भी चीज़ की कमी ना हो, इसलिए महालक्ष्मी पर्व बहुत धूमधाम से हम महाराष्ट्रीयन परिवारों में मनाया जाता है।